ऑनलाइन मेरा नाम अजीम इंडिया टीवी ऑनलाइन इंटरव्यू मीडिया नेटवर्क से हूँ। आज मैं आया हूँ रुदौली विधानसभा 309 में। आज मैं यहाँ से जनता से मैं बात करूँगा। सर आपका नाम क्या है? राकेश सिंह। सर आपके क्षेत्र की समस्याएँ क्या है? सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी का, पिछले 3 साल से लगभग हो गए, ऊपर हो गए, एक भी कहीं नौकरी नहीं है। 2 नौकरी के लिए फार्म आए भी थे और वो भी कैंसिल हो गए। इसके साथ दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र में विकास, विकास को लेकर के सड़क का ये है, ये भानपुर रुदौली रोड है, ये अभी 2 महीना भी नहीं बना और टूट गया। आप तो इससे आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। तीसरी जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के, कि अगर आपको खून की भी जांच करानी हो तो किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर बाहर ले देता है, बाहर जाकर। आप अपने क्षेत्र से अपने किसको विधायक बनाना चाहते हैं? ये सीक्रेट है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की नीतियों को हम पसंद करते हैं और जो भी प्रत्याशी है हमारे क्षेत्र की पिछले सरकार का काम कैसा था? पिछले सरकार का काम बिल्कुल 0। अगर आप रेटिंग मांगते हैं 1 से 5 और 5 मतलब सबसे बढ़िया और 1 मतलब बिल्कुल 0, तो मेरा 1 रेटिंग है। सर बताइए क्या कारण है कि आप भाजपा को क्यों नहीं पसंद करते? मैं हाँ, अभी जैसे स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल 0 है हमारे यहाँ। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार भी हो जाए वो भी सुविधा आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो भी बंद पड़ी हुई है। कहीं भी आप चले जाइए, जितने भी ग्राम सभा लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने हैं वहाँ आपको एक टिकिया नहीं मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए तो वहाँ पर अगर कोई जाँच के लिए, मतलब खून पेशाब की भी जाँच के हो, उसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है। आपका जो प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय में टीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड टूटा पड़ा है, उसके अंदर जो है बच्चे जो टाट पे बैठते हैं, जमीन पे बैठना पड़ा है, टाट पे तो ये सारी सुविधाएँ मतलब परेशानी है हमारी क्षेत्र के लिए। दूसरा सड़क नहीं है, एक ऐसी सड़क बनाई जा रही है अमीरों के लिए, शहजादों के लिए, जिस पर फाइटर प्लेन उतारा जा रहा है। गाँव में ऐसी सड़कें हैं कि जिस पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो शिक्षा बहुत बेकार है हमारे यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा जिला है, आप बता दूँ, आप चले जाइए बस्ती में, एक हमारे यहाँ बस अड्डा है, वहाँ पर जो है अगर आप चले जाएंगे अंदर तो आपको एक शौचालय नहीं मिलेगा। ये घर घर शौचालय बना रहे हैं और अगर शौचालय है भी वहाँ तो वहाँ आप जा नहीं सकते, इतना वहाँ गंदगी पड़ी है। दूसरा ये कि बस्ती से लेकर के डुमरियागंज के बीच में लगभग 50 किलोमीटर